एक कदम आगे बढ़िएगा, एक कदम आगे बढ़िएगा। एक्शन सर, कहाँ से? हाँ आपने बोल दिया लाइन। थपकी और बिहार एकदम निराले कप है ना, तो आप दोनों की एकदम सॉरी सर रेडी। हाँ रोलिंग आपकी लाइन से। निराले कप तो इसलिए हर फंक्शन एकदम स्पेशल होना चाहिए ना भाई, ये याद तो हमें पूरी जिंदगी के लिए रहनी चाहिए। व्हाट से इसलिए डिफरेंट मास पार्टी। अपना संगीत है तो याद क्या होना चाहिए। एक्चुअली आज हमारे घर में थपकी और बिहान का संगीत हो रहा है और हर बार संगीत का कुछ अलग प्रेपरेशन होता ही है, आप एक थीम रखते हैं तो आज आज डेकोरेशन तो बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ है हमारे घर में, थपकी भी बहुत प्यारी लग रही है और मैंने भी आज उसी की तरह कपड़े डाले हैं। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो संगीत नॉर्मल होता है वो संगीत नॉर्मल नहीं है इस बार। इस बार एक मास्करेड पार्टी है जहाँ पर आप मास्क लगाएंगे और डांस करेंगे। तो अब ये जो ऑल ऑफ अ सडन ध्रुव के दिमाग में जो ये मास्करेड पार्टी करने को आया है मन, वो क्यों आया है, क्या उसके पीछे राज है, कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन आई एम श्योर इस मास्करेड पार्टी को रखने का कुछ ना कुछ ध्रुव का ज़रूर आइडिया होगा। एक्चुअली हमने जब अपने अपने मास्क उठाए थे तो हमने नहीं देखा था कि ध्रुव ने भी वही मास्क उठाया जो बिहान ने उठाया है, पर अगर उन दोनों का सेम मास्क है तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उन दोनों ने भी सेम कपड़े पहने और हम दोनों ने भी सेम कपड़े पहने, तो आई थिंक कुछ स्वैपिंग हो जाएगी। हम लोग रोज़ एंजॉय करते हैं वाइल कमिंग फ्रॉम माय होम, वाइल ड्राइविंग, वाइल गोइंग बैक होम, बस यही होता है, बारिश होती रहती है और हम अपने गाड़ी के अंदर बैठ के वाइपर चला चला के बहुत सेफली ड्राइव करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है मानसून का जो सीज़न होता है, बिकॉज मेरा बर्थडे भी मानसून में आता है, तो मैं तो बहुत ही इंजॉय करती हूँ हर एक पार्ट, खाना पीना, थोड़ा डांस करना, वो सारे गाने गाना जो मानसून से रिलेटेड है। सो
मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, मुझे सैंडविच खाना बहुत पसंद है, कुछ गर्मा गर्म अगर भजिए हो जाए तो मज़ा आ जाए। सो यस, ये सब है, और ये सब तो माँ के हाथ का बना हो अगर तो यू नो डबल मस्ती हो जाती है, डबल मज़ा हो जाता है। बट यस, खुद के हाथ से बनाने में वो मज़ा नहीं होता जो कोई बैठ के गर्मा गर्म खिला दे। तो यस, हमको कभी कभी हमारे सेट पर हम लोग अपने सर को, हमारे प्रोडक्शन हाउस को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भजिया वजिया तल के हम लोग को खिलाते हैं। They pamper us a lot, so yeah, I enjoy every bit of it. Fans के लिए यही बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, thank you. इस तरह आप हमें प्यार देंगे, मुझे इतना प्यार देंगे, श्रद्धा किस कैरेक्टर को इतना प्यार देंगे मुझे नहीं पता था। श्रद्धा भले ही इस शो में नेगेटिव कैरेक्टर है, बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं, जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि माई गॉड, are they real or what? Because some of them, they told me that, you know, you're very cute, your expressions are very very vast, your expressions are very very nice. So ye sab jab sunti hu to khud ko bahut acha lagta hai, because har ek artist, har ek actor compliments aur apni sarahanon ka bhooka hota hai, aur ye sarahane aap hame dete hain, hamari cheezon ko sarahate hain, uske liye bahut bahut shukriya. Isi tarah pyar karte rahiye, isi tarah hamara show dekhte rahiye, aur आज श्रद्धा हूँ, कल कोई और बन के आपके सामने उतरूंगी, बस अपना प्यार मेरी तरफ कम मत कीजिएगा, उसके लिए थैंक यू।